नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस वक्त की 25 बड़ी खबरों के इस बुलेटिन में। आइए देखते हैं इस वक्त की फटाफट 25 बड़ी खबरें। कहां कहां लगा लॉकडाउन, किधर पे जारी की गई नई गाइडलाइन और कहां पे पाए गए सबसे ज्यादा मामले, आइए देखते हैं इस वक्त की 25 बड़ी खबरें। आप किस राज्य से देख रहे हैं खबर, इससे पहले हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, आप खबर कहां से देख रहे हो, पंजाब, हरियाणा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पहली बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर यानी स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि राजधानी में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। यहां कोविड वॉर रूम को एक्टिव कर दिया गया है दिल्ली में। इसमें एक्टिव पेशेंट्स और बेड्स और ऑक्सीजन के बारे में अस्पताल वार डेटा रखा जाएगा। सभी कोविड सैंपल की जीनोम सिक्वेंसिंग संभव नहीं है, फिलहाल केवल 300-400 सैंपल की ही जीनोम सिक्वेंसिंग की जा रही है। वही अगली बड़ी खबर बिहार से है। बिहार में दोनों डिप्टी सीएम रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बिहार में डराने वाले कोरोना के आंकड़े सामने आने लगे हैं। वहीं मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी भी संक्रमित हैं। बिहार में कोरोना का तांडव शुरू। वहीं अगली बड़ी खबर पंजाब से है। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले मुख्यमंत्री कार्यालय के 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद सीएम चरणजीत चन्नी का फिरोजपुर जाना रद्द हो गया है। यानी जो पंजाब के सीएम हैं चरणजीत चन्नी, उनका जो दौरा है फिरोजपुर का वो रद्द हो गया है। सीएम चन्नी अब वर्चुअल तरीके से कार्यक्रम में जुड़ेंगे। वही अगली बड़ी खबर भी पंजाब से ही है। पंजाब में मंगलवार को पीएम मोदी की रैली से पहले शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखदेव ढींडसा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्हें भी प्रधानमंत्री के साथ फिरोजपुर रैली में स्टेज पर होना था। आपको बता दें लगातार देश भर में ओमिक्रोन का तांडव शुरू है। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में 96 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। ये अच्छी खबर है भारत के लोगों के लिए। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अब तक कुल 1,47,00,000 वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। वहीं अगली बड़ी खबर गुजरात से। गुजरात में 5 आईएएस अफसर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से एसीएस हेल्थ मनोज अग्रवाल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जेपी गुप्ता और कई लोग शामिल हैं। आपको बता दें 5 आईएएस ऑफिसर कोरोना संक्रमित गुजरात। वही अगली बड़ी खबर तेलंगाना से। तेलंगाना हाई कोर्ट ने फिजिकल हियरिंग पर रोक लगा दी है। इनमें किसी भी केस की सुनवाई के लिए लोगों की कोर्ट परिसर में आवाजाही पर पाबंदी रहेगी। हालांकि जज फिजिकली और वर्चुअली दोनों माध्यम से सुनवाई कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट में लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी गई है तेलंगाना सरकार। वही अगली बड़ी खबर दिल्ली से ही है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी DDMA की नई गाइडलाइन के मुताबिक मेट्रो 100% सीटिंग कैपेसिटी के साथ चलेगी। ये बड़ा फैसला, बढ़ते ओमिक्रॉन खतरे के बीच दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का बड़ा फैसला, 100% सीटिंग कैपेसिटी के साथ चलेगी मुंबई दिल्ली मेट्रो, लेकिन किसी भी यात्री को खड़े होकर सफर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं अगली बड़ी खबर आपको बता दें, पिछले 2 दिनों से 15 से 17 साल उम्र के करीब 85 लाख बच्चों को कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। ये काफी अच्छी खबर है भारत के लोगों के लिए। इनमें से करीब 42 लाख बच्चों ने सोमवार को वैक्सीन लगवाई थी पहले दिन यानी। वही अगली बड़ी खबर है, सिंगर सोनू निगम कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उनकी पत्नी और बेटा भी कोरोना पॉजिटिव हैं। सोनू ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर इस बात की जानकारी दी है। ये बड़ी खबर है। आपको बता दें लगातार सिंगर हो या हीरो हो या अभिनेता हो या नेता, लगातार कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। वही अगली बड़ी खबर है, बिग बी के घर में भी कोरोना पहुंचा है। अमिताभ बच्चन के घर का एक स्टाफ संक्रमित पाया गया है। 31 कर्मचारियों के सैंपल लिए गए हैं। आपको बता दें महानगर अमिताभ बच्चन के घर एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जांच के लिए 31 कर्मचारियों के सैंपल लिए गए। फिलहाल बच्चन परिवार के सदस्यों में संक्रमण की जानकारी नहीं मिली है। वहीं यूपी में भी कोरोना ब्लास्ट हुआ है। उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन की लहर आ चुकी है। यहाँ 15% मरीज ओमिक्रॉन वेरिएंट से मिल रहे हैं। अब तक 205 सैंपल्स जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे। इनमें से 31 लोगों में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है। ये काफी डराने वाली खबर है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, क्योंकि अगले महीने ही चुनाव है उत्तर प्रदेश में और ओमिक्रॉन का तांडव अभी से ही शुरू है उत्तर प्रदेश में। वहीं मध्य प्रदेश में भी कोविड सस्पेक्टेड वार्ड में 2 मरीजों की मौत हो गई है। इंदौर में हालात खराब हो गए हैं।
मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। जबलपुर में 23 नए संक्रमित मिले। मेडिकल कॉलेज में कोविड सस्पेक्टेड वार्ड में भर्ती 72 और 45 साल के दो मरीजों की मौत हो गई है। कोविड जैसे लक्षण होने पर दोनों को यहां एडमिट कराया गया था। प्रशासन का दावा है कि दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है।